लेकिन तू आवर चैनल हर पल जियो का ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम बहुत ही अच्छा बन चुका है। आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि फरा जब खाने के टेबल पर बैठी होती है तो आमना उसके पास आती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छी सी लड़की देखकर हमजा की शादी कर दे। जो कुछ भी अमल अब करके गई है हमजा के साथ, अब अमल को भी नहीं रखना चाहिए। ये बात सुनकर फरा कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ये बात सुनकर आमना कहती है कि जिस तरह उसने अबीर को ठुकराया उससे भी बुरी लड़की अब तुम्हारे बेटे की जिंदगी में शामिल है। क्या वो उसे बर्दाश्त करेगी? तुम्हारी बात कभी भी नहीं सुनेगी। ये बात सुनकर फरा बहुत ही ज्यादा परेशान है। फरा कहती है कि थोड़े दिन बाद अमल भी उसकी जिंदगी से चली जाएगी, मैं कोई अच्छी सी लड़की अपने बेटे की जिंदगी में शामिल करूंगी। ये बात सुनकर आमना कहती है कि तुम्हारे बेटे की जिंदगी में कोई भी अच्छी लड़की नहीं आएगी, क्योंकि हर लड़की का तो वो दिल तोड़ देता है। ऐसी लड़कियां कभी भी अपने शौहर से वफा नहीं करती। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा फरा परेशान है। फरा कहती है कि आमना आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी मुझे बातें सुनाएंगी। आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि जुबैदा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो हनान को अपने पास बुलाती है और कहते हैं कि बेटा तुम्हें हमजा से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। ये बात सुनकर हनान कहता है कि अम्मी अगर उसने मेरी बीवी के बारे में एक बात भी की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैं कभी भी बुराई अबीर की नहीं सुन सकता। ये बात सुनकर जुबैदा कहते हैं कि बेटा अच्छी बात है, लेकिन मैं हनान को समझा चु हमजा को समझा चुकी हूँ, तुम्हें भी समझा रही हूँ, तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए। हनान कहता है कि अम्मी आज के बाद अगर उसने अबीर को छेड़ा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं बर्दाश्त करूंगा। ये सब कुछ अब आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। हरपल जियो का ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम अगर नहीं देख रहे तो जरूर देखें, ये बहुत ही अच्छा बन चुका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज। अपना और अपने घर वालों का अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा।